हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके करियर रिटेमेंट्स के इस वीडियो में। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेबुलरी की सीरीज़। देखिए, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बहुत लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं, पर इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि उसमें उतने ही इक्वल मार्क्स, उतना ही वेटेज रहता है। अगर आप SSC का एग्ज़ाम्स देख लो, जितना कि आपके मैथ्स रीजनिंग में रहता है उतना ही इक्वल वेटेज रहता है। और अगर आप Tier 2 का एग्ज़ाम देखो तो उसमें पूरा इंग्लिश का एक अलग से पेपर होता है, तो आप इंग्लिश को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये होता है कैंडिडेट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो ये जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं, सेंटेंस करेक्शन है, वो किसी प्रकार से कर ही तो लेते हैं, पर ये जो यू हिट और आई हिट वाला सिचुएशन हो जाता है वो आपके वोकेबुलरी को लेके हो जाता है कि एग्ज़ाम में जो वोकेबुलरी आपका आया है वो या तो आपका आए वो या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। आप वहाँ पर बैठ के कोई ट्रिक नहीं सोच सकते, वहाँ पर आप गेस वर्क नहीं लगा सकते कि इसका ये होगा आंसर, इसका वो होगा आंसर। या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो आप शायद से डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो तो वो आपको बन जाए, बट यूजुअली अगर आप SSC के एग्ज़ाम देखो, RRB के एग्ज़ाम देखो, हमेशा ऐसे वर्ड्स वोकेबुलरी के फंसते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, और ऑब्वियसली बात है फिर हम उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकेबुलरी की सीरीज़। कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो लेके आए और आपको इससे हेल्प हो, क्योंकि देखिए वोकेबुलरी आप एक दिन में रट नहीं सकते। आप एग्ज़ाम से पहले एक हफ्ते में कितना रट लोगे? इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कितना याद कर लोगे एक दिन में? तो वोकेबुलरी में अच्छा होने का एक ही तरीका है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टॉक एक्यूमुलेट कीजिए, मतलब डेली थोड़ा थोड़ा करके आप वर्ड्स सीखिए, उनको कॉपी में लिखिए, ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार रिपीट कीजिए। तो क्या होगा, जब आप ओवर द डेज या ओवर द मंथ्स वोकेबुलरी करते रहोगे तो आपके पास जो वर्ड्स का स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको इंग्लिश के लिए एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली वोकैब डाइजेस्ट। कोशिश हमारी यही रहेगी कि डेली मिडनाइट को हम एक वीडियो अपलोड कर दें। अगर किसी दिन मिस हो गया तो माफ़ कीजिएगा, बट हाँ कोशिश यही रहेगी कि डेली हम ये वीडियो अपलोड करें। तो इसी के साथ देख लेते कि कोर्स का कंटेंट क्या होने वाला है। तो ये जो वीडियो रहेगा डेली का, इसमें हम कवर करेंगे वोकेबुलरी के पार्ट्स। तो वोकेबुलरी में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले होता है कि सिनोनिम्स। जैसे पूछा जाता है कि एक वर्ड दिया गया और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चन में, और बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग विद द वर्ड गिवन। सिंपल बात है कि आपको ये पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, सिनोनिम्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है पर्यायवाची शब्द, कि उससे सिमिलर जो वर्ड्स है, उससे सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड है वो आपको टिक करना है, ठीक है। अगला टाइप होता है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स बेसिकली क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, या तो आप शॉर्ट में बोलो विलोम शब्द। कि जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके मीनिंग के ऑपोजिट है, इसका मीनिंग और उस आंसर का मीनिंग सेम नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट मीनिंग दर्शाना चाहिए, ठीक है। अगला होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे। तो इंग्लिश के मुहावरे बहुत बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये SSC का तो स्पेशली बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको 25 में से 2 क्वेश्चन आपको पक्के से इडियम्स का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जब आप Tier 2 के एग्जाम दोगे फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ में, तो वहाँ तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं कि अनेक शब्दों की एक शब्द, या तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको आपको एक वर्ड में, 4 ऑप्शंस रहेंगे कि कौन सा वर्ड उसके लिए सूटेबल मैच होता है, ठीक है। तो ये 4 हम मेनली कवर करेंगे डेली वोकैब डाइजेस्ट में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, डेली जो ये वीडियो निकालेंगे वो आपको पसंद आए, और आप वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे डेली के जो वीडियो के नोटिफिकेशंस वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या है, डिबैकल, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिबैकल। तो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, डिक्लाइन, डाउनफॉल, डिसकम्फिचर और डीजेनरेशन। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आजकल जो SSC का पैटर्न हो गया है, तो आपको अगर वर्ड का मीनिंग भी पता है तो आप देखना ऑप्शंस में 2-3 ऑप्शंस ऐसे रहेंगे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी सही है, हो सकता है भी ये भी सही है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है भैया, कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनके इंडिविजुअली मीनिंग्स भी आपको अच्छे से पता हो, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में टफ हो सकता है, ठीक है। थोड़ा डेप्थ में जानना जरूरी है, तो डेली करते करते ये आप सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिबैकल का मीनिंग क्या है। डिबैकल का मीनिंग है
सडन फेलियर, ठीक है। जैसे सोच लीजिए क्रिकेट का मौसम चल रहा है, तो क्रिकेट से सोच लीजिए कि जैसे सोचिए कोई टीम है, ठीक है, लीग का मैचेस चल रहा है, कोई टीम एकदम लीग मैचेस में टॉप में है, एकदम बहुत सारा मैच शुरू के 3-4 मैच जीत लिए, एकदम टॉप में है, और अचानक से सोचिए कि वो हारना स्टार्ट हो गया, ठीक है, लगातार 2 मैच हार गया या 3 मैच हार गया, तो वो एकदम टेबल के टॉप में से बिल्कुल नीचे आ गया, ये नीचे 6वें या 7वें नंबर पे आ गया, तो ये उनके साथ हुआ सडन फेलियर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक विफलता। तो सडन फेलियर को हम बोलते हैं डीबैक के लिए, मेनली कॉम्पिटिटिव नेचर में यूज किया जाता है, कि कोई कॉम्पिटिशन यूज हो रहा है या तो मिलिट्री में हो रहा है, कि कोई सोचिए सेना बहुत एडवांस कर रही है, वो ऑलमोस्ट जीत के कगार पे है, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो हारने पे विवश हो गए, ओपोनेंट बहुत स्ट्रांगली हमला कर दिए तो वो हारने पे विवश हो गए, तो इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं डीबैकल, ठीक है। तो इससे देख लेते कि और क्या सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं डीबैकल के, एक होता है फियास्को, मीनिंग सेम है, डिजास्टर आप बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सिमिलर मीनिंग है, फेलियर तो हमने बोल ही दिया है, फेलियर मतलब विफलता, असफल होना, ठीक है, और डाउनफॉल की डिक्लाइन होना, मतलब सफल नहीं होना, उसी को हम बोलते हैं डाउनफॉल की नीचे आना। अब देखिए अगर आप ऑप्शंस देखो तो डिक्लाइन, डाउनफॉल, डीजेनरेशन, ये तीनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, ठीक है। डिसकम्फिचर का मतलब अलग है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, सबका मीनिंग में बता दूंगा। डिक्लाइन का मतलब है कम होना, ठीक है, डाउनफॉल का मतलब है गिरना, डीजेनरेशन का मतलब भी है कम होना, बट अब डिफरेंस क्या है, मेरा आंसर इसमें होगा डाउनफॉल, ठीक है। डाउनफॉल का भी मतलब ये होता है कि सडनली गिर जाना, अचानक से उसका असफल होना, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब देखिए, डिक्लाइन का मतलब होता है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करना, धीरे धीरे डिक्रीज करना एक रेट पे, ऐसा नहीं कि आज अचानक से डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन का मतलब होता है धीरे धीरे डिक्लाइन करना, ठीक है। डीजेनरेशन का भी मतलब धीरे धीरे डिग्रेड होना ही होता है, बट डीजेनरेशन को वर्ड है वो स्पेशली आपकी लिविंग बींग्स के लिए यूज है, पेड़ पौधों के लिए किया गया, पत्थरों के लिए किया गया, पहाड़ों के लिए किया गया, कि वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहे हैं, ठीक है। डिसकम्फिचर का मतलब देख लेते हैं, डिसकम्फिचर का मतलब है कि शर्मिंदगी फील होना, ऑकवर्ड फील होना, फीलिंग ऑफ अनीज और एम्बैरेसमेंट, ठीक है। जैसे सोचिए आप ऐसे बहुत एक पार्टी में चले गए, ठीक है, वहां पे एकदम बहुत ही हाई क्लास आपको दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे मिक्सअप हो गए, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि अचानक से ऐसे आ गए कि सब नाच कूद रहे, तो हम वहां पे जाके थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करते हैं, तो इस टाइप का जो सिचुएशन है वो है डिसकम्फिचर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, अच्छा डीजेनरेशन जैसे मैंने बोला था, डिक्लाइन और डिटोरिएशन, ठीक है, और सही आंसर है डाउनफॉल। तो डीबैकल का सही आंसर है डाउनफॉल। देखिए दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस ऐसे है कि क्लोज मीनिंग है, बट हमको वो ऑप्शन क्लिक करना है जो क्लोजेस्ट इन मीनिंग है। तो डीबैकल का मतलब है सडन फेलियर, और डाउनफॉल भी थोड़ा वैसे ही दर्शाता है, डिक्लाइन और डीजेनरेशन है वो है थोड़ा ओवर द टाइम, बहुत समय के साथ हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, ऑस्ट्रसाइज, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, बैनिश, बी लिटिल, बेगुल और बीसीज, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रसाइज का मतलब है जैसे सोसाइटी से किसी को बहिष्कृत करना, निर्वासित करना, ठीक है, कि जैसे हम देखते हैं कि जितने भी ऑनर रिलेटेड केस होते हैं कि दूसरे बिरादरी के साथ किसी ने शादी कर ली, लड़के लड़की ने, तो उनको पेरेंट्स क्या करते थे पहले के ज़माने में कि अपने सोसाइटी में, अपने ग्रुप से उनको निकाल देते थे कि भैया आप हमारे हो नहीं सकते क्योंकि आपने ऐसा काम किया, या कोई बंदा है जो मतलब फैमिली के हिसाब से अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उनको भी वो निकाल देते बच्चों को। तो ये जो वर्ड आप, इसका जो मतलब मीनिंग, ये इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ये होता है ऑस्ट्रसाइज, मतलब एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, ओके। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, बैनिश, शन, रिप्यूडिएट, डिपोर्ट। देखिए डिपोर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिपोर्ट वर्ड का मतलब है कि देश से निकाला, ठीक है। अगर आप सोचिए आज कहीं देश, किसी देश में जाते हो, वहां आपका वीजा एक्सपायर हो गया, या वहां जाके आपने उन देश का कोई लॉ तोड़ा, ठीक है, तो वो देश आपको क्या करेगी, वहां से आपको डिपोर्ट कर देगी, वहां से आपको निकाल देगी, वो अपने देश भेज देगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आसपास कहीं आपको रिफ्यूजी बन के फिर निकलना पड़ेगा, तो ये चीज का मतलब होता है डिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए इन चारों में से जो ऑप्शन मेरा सूट करता है वो है बैनिश, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे मैंने बोला था, अच्छा होगा कि आपको चारों वर्ड्स का मीनिंग पता रहे, तो मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको जो चारों ऑप्शंस रहेंगे उसके मतलब भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैनिश, बैनिश जैसे हमने बोला कि किसी को दूर भेज देना एज ए
एज ए पनिशमेंट कि आप इधर से इधर आप नहीं रह सकते, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको देश छोड़ना पड़ेगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं बैनिश, या तो हम बोल सकते हैं जैसे एक और वर्ड है इसके लिए एग्जाइल, ओके, तो ये है एबोलिश, ओके, एबोलिश भी इसका एक और वर्ड है। अगला देखते हैं बिलिटल। बिलिटल नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी को लिटिल करना, मतलब क्या, किसी को नीचा दिखाना, कि आप किसी बंदे को सबके सामने उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसे ऐसे भाषा का उपयोग कर रहे हो कि उस बंदे को नीचा फील हो, कि सबके सामने ऐसा लगे कि वह बंदे का कोई महत्व ही नहीं है, तो इस चीज को बोलते हैं बिलिटल, ओके। बिगविल का मतलब है कि किसी को आप छल कपट से उसको कोई काम करने में उकसा रहे हो, कोई गलत काम करने में उकसा रहे हो, जैसे आपका दोस्त है, आप खुद तो कर नहीं रहे हो, जैसे आपको आप सोच रहे हो कि पड़ोसी के घर में चलो पत्थर मारते हैं, खुद नहीं मार रहे हो, आपके दोस्त को आप बोल रहे हो भाई भाई तू मार तू मार, तो ये वाला सिचुएशन हो गया है बिगविल, ठीक है, कि किसी को कुछ करने में आप उकसा रहे हो। बिसीज का मतलब है कि सीज वर्ड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे वर्ड्स आए ना, थोड़ा छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स है उन वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, जैसे बी लिटिल में लिटिल, ठीक है, बी का मतलब करना तो छोटा करना, ठीक है, बी सीज, सीज का मतलब क्या होता है, जैसे चढ़ाई होती है ना युद्ध के टाइम पे, कि कोई किसी मतलब कोई हमला किया है किसी किंगडम में, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, सीज ऑफ सेरिंगापट्टनम इस टाइप से, तो वो होता है सीज, मतलब कॉन्कर करने के लिए चारों तरफ से घेर लेना फिर उसमें चढ़ाई करना, तो वो होता है बी सीज, तो बी सीज का भी वही मतलब है, सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस इन ऑर्डर टू कैप्चर इट, मतलब घेराबंदी करना, ठीक है, तो चारों वर्ड का मतलब इधर समझ में आ गया, तो देख के तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था बैनिश आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोफिलैक्टिक। तो प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या है, प्रोफिलैक्टिक थोड़ा आपका दवाई ववाई इन सब से रिलेटेड है, कि कोई भी चीज जो किसी रोग को रोकने के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे दवाई होता है, तो ये सब, तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी, प्रोटेक्टिव, ठीक है, एकदम सिंपल सा मीनिंग है। तो प्रोफिलैक्टिक आप याद रखिए कि जो किसी रोग को रोकने के लिए यूज किया जाए, मतलब प्रिवेंशन के लिए यूज हो जाए, तो वो सारे चीजों को हम बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक आइटम्स, ओके। अब देख लेते हैं जो चारों ऑप्शन है उनके मीनिंग देख लेते हैं। एंटागोनिस्टिक का मीनिंग है शोइंग ऑपोजिशन और हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स, मतलब विरोधी नेचर का है, कि जैसे मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे वो जगह पसंद नहीं आ रही, मुझे वहाँ का बॉस पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं हर चीज़ में वहाँ पे ऑपोजिशन शो कर रहा हूँ, बॉस जो भी बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये आप गलत कर रहे हो, और जो भी बंदे हैं जो बॉस का हाँ में हाँ मिलाते हैं, मैं उन लोगों को भी अपोज कर रहा हूँ, तो मैं हूँ वहाँ पे क्या, एज ए एंटागोनिस्ट, ओके, तो ये मेरा नेचर वहाँ पे क्या है, एंटागोनिस्टिक नेचर। अगला वर्ड है टॉक्सिक, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीला पदार्थ कोई भी, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक, या फिर एनवायरनमेंट का स्टडी आप करोगे तो ये वर्ड आप बहुत देखोगे, ठीक है, टॉक्सिक। देखिए अगला वर्ड है प्रिवेंटिव, बिल्कुल आसान सा है, प्रिवेंटिव आता है आपके प्रिवेंट से, तो आप प्रिवेंट करना मतलब किसी को बचाना, या कुछ चीज जो नहीं चाहिए होना उसको होने से आप बचा रहे हो, ठीक है, तो प्रिवेंटिव मतलब जो ये काम करता है, कि जो प्रिवेंट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव क्या है, कीप समथिंग अनडिजायरेबल फ्रॉम ऑकरिंग, मतलब निवारक, ओके। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मतलब है किसी को जबरदस्ती का गुस्सा दिलाना, कि बंदा शांत बैठा है, आप उसको पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे हो हमेशा, कि भैया वो एनॉय हो जाए, ठीक है, तो कॉजिंग एनॉयंस, एनॉयंस और एंगर डिलिबरेटली, डिलिबरेटली का मतलब है जानबूझ के, तो उसको उत्तेजित करना, इस चीज को बोलते हैं प्रोवोकेटिव, ओके। तो इसमें आंसर कौन सा होगा प्रोफिलैक्टिक का, एक ही ऑप्शन इसमें आपका क्लोजेस्ट मैच होता है, वो है आपका प्रिवेंटिव, ठीक है। चलिए अगला देख लेते वर्ड। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर बोला है मतलब सिनोनिज्म, वर्ड बोला गया है कॉडल, ठीक है, ध्यान दीजिए कॉडल, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें एक सिमिलर वर्ड है, एक होता है कॉडल एक होता है कडल, तो ये है आपका कॉडल, इसमें पूछा गया है, तो कॉडल का मतलब क्या है, किसी को, किसी वस्तु को या किसी इंसान को बहुत ज्यादा संभाल देना, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको संभाल के रखना, ट्रीट इन एन इंडल्जेंट और ओवर प्रोटेक्टिव वे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि किसी को बहुत ज्यादा पैम्पर करना, देखिए एक और इसका सिमिलर वर्ड होता है पैम्पर या प्रोटेक्ट, ठीक है, पैम्पर वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, तो आप ये याद रखिए कॉडल का एक कॉडल है, पैम्पर को ही हम कॉडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक मुहावरा भी है, एडियम है, वेट ऑन समवन हैंड एंड फुट, तो इसका भी मतलब यही है कि किसी के लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, तो वो है क्या, वेट ऑन समवन हैंड एंड फुट। तो अब देख लेते हैं कि चारों जो वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, देखिए देख के समझ में आ रहा है कि इसका आंसर प्रोटेक्ट होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हडल का मतलब है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो,
तो कोई भी मैच स्टार्ट होने से पहले आप देखोगे प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं कि कुछ एक जो कैप्टन है वो थोड़ा मोटिवेशनल कुछ बात करते हैं कि ताकि मैच के पहले थोड़ा अपने बंदों को एनर्जी दे, तो वो जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हडल करना, ठीक है। तो क्राउड टुगेदर और निसल क्लोजली, एक साथ इकट्ठा होना, ठीक है। और बाकी जो तीन वर्ड है वो बहुत ही इजी मीनिंग है। सेटिस्फाई का मतलब है संतुष्ट करना, ठीक है, टू सेटिस्फाई समवन। प्रोटेक्ट का मतलब है बचाना। चीट का मतलब है धोखा देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर है प्रोटेक्ट। बस आपको कॉडल का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्लिमजी। फ्लिमजी बहुत ही मतलब अच्छा सा वर्ड है, थोड़ा अनोखा वर्ड है। तो फ्लिमजी का मतलब है कि वीक, जिसको हम इजिली तबाह कर सकते हैं, ठीक है। वन दैट कैन बी इजिली डैमेज, जिसको आसानी से हम क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, एक तो आपका इजिली वीक हो जाएगा, इनसब्सटेंशियल, लाइट बोल सकते हो। फ्रेजाइल एक बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जैसे कांच के चीज़ें होते हैं तो वो फ्रेजाइल होते कि आसानी से टूट जाए, जो चीज़ आसानी से टूट जाए उनको बोलते हैं फ्रेजाइल। ब्रेकेबल, तो ये आपके सिमिलर वर्ड्स है फ्लिमजी से। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन जो है वीक, वही जाहिर सी बात है ऑप्शन होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं बाकी के जो मीनिंग्स। देखिए फनी का मीनिंग तो आपको पता ही है, फनी मतलब मज़ेदार, तो इसमें और कुछ समझाने वाली बात नहीं है, फनी का मतलब है मज़ेदार। इरेशनल मतलब है कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, जिसके साथ हम तर्क नहीं कर सकते, वो है इरेशनल। मतलब कोई इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है तो ये है इरेशनल, ठीक है। वीक तो आपको पता ही है कमज़ोर, तो इसका आंसर वीक होगा। पार्टीसन का मतलब होगा कि जैसे आप कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, पार्टीसन से आप याद रखिए पार्टी, तो कोई पार्टी या कॉज या पर्सन को आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर हो, ठीक है, एकदम मतलब वो जो बोल रहा है वही सही है, तो इस चीज़ को बोलते हैं पार्टीसन, ठीक है, पक्षपातपूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा, वीक। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, जेटिसन, ठीक है। जेटिसन का अच्छा इसमें अब है एंटोनिम्स। अभी तक हम कर रहे थे सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स कर रहे थे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटोनिम्स। तो चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है, जेटिसन। तो जेटिसन का मतलब है थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप। देखिए जेट, जेट से ही आपको याद होना चाहिए कि जेट क्या होता है, एयर जेट, एयर फाइट, एयरक्राफ्ट, ये सब। तो थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप, विमान से गिराना, इसका मीनिंग है जेटिसन। तो सिंपल भाषा में किसी चीज़ को गिरा देना, वो आपकी ज़रूरत नहीं है तो एयरक्राफ्ट से आप शिप से गिरा दिए, तो वो है आपका जेटिसन। तो सिमिलर वर्ड्स क्या है, ऑफलोड या ड्रॉप। तो देखिए थोड़ा अजीब भी वर्ड है, पर फिर भी हमको आंसर तो देना है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। मैं जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, क्योंकि एसएससी के आप एग्जाम्स उठा के देख लो, घुमा फिरा के आपको सेम ही क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं, ठीक है। तो जेटिसन, तो इसका ऑपोजिट देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्ट, रिवॉर्ड, प्रिजर्व, कंसेंट। इससे सबसे क्लोज मतलब सबसे उल्टा, मतलब उससे एकदम मीनिंग नहीं मैच हो सकता, वो है आपका प्रिजर्व, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट थोड़ा अलग ही लाइन पे जा रहा है। एक्सेप्ट का है कि कोई चीज़ मान लेना, आपको किसी ने बोला कि संतरे 10 रुपए के हैं तो आपने मान लिया हाँ संतरे 10 रुपए के, तो ये है आपका एक्सेप्ट। रिवॉर्ड का मतलब है कि किसी को पुरस्कार देना। रिवॉर्ड का मतलब है कि आप जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपको आपने कुछ अचीवमेंट किया है, सपोज़ आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपने ऐसा कुछ अचीव किया है जिससे आपको कॉलेज या जो ऑफिस में आप काम कर रहे हो उनको बहुत मुनाफा हुआ है, तो वो इसके लिए आपको कुछ इनाम देंगे, कुछ सर्टिफिकेट देंगे या सबके सामने बुला के आपको मेडल देंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिवॉर्ड करना, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब होता है कोई चीज़ को बचा के रखना, ठीक है, मतलब वो नष्ट ना हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना प्रिजर्वेटिव, इससे वर्ड आता है कि जैम हो, सॉस हो, इनको हम प्रिजर्व करते हैं, या तो जो फॉसिल्स होते हैं या पुराने जो एंटिक आइटम्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं केमिकल से, ताकि वो और ज़्यादा दिन वो सही रहे। कंसेंट का मतलब है किसी चीज़ को एग्री करना, ठीक है, सहमति देना। तो कंसेंट का मतलब है सहमति देना, आप अपना कंसेंट दे रहे हो कि इसका हाँ ये हो, ठीक है। तो इसमें एक ही वर्ड जो इसका ऑपोजिट हो सकता है वो है आपका प्रिजर्व, क्योंकि जेटिसन मतलब आप उस चीज़ को जाने दे रहे हो, उसको आप ड्रॉप कर दे रहे हो, उसकी आप ज़रूरत नहीं है, बट प्रिजर्व आप उन चीज़ों को करते हो। प्रिजर्व करने का मतलब है जो आपके ज़रूरत के चीज़ें हैं उनको आप बचा के रखते हो, तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें है आपका प्रिजर्व, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमिलियोरेट, ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिलियोरेट।
ये मल्टीपल टाइम्स एसएससी में पूछा गया है इसी वर्ड को, कभी सिनोनिम करके कभी एंटोनिम करके। तो एम्यूलियरेट का मतलब है कोई चीज़ आपका ऑलरेडी मतलब ख़राब चल रहा है, मतलब बहुत स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, वहाँ से आप उसको अच्छे पोजीशन में लेके जा रहे हो। जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो क्रिकेट के टर्म्स में मैं समझाऊंगा। जैसे सोचिए इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है, 4 विकेट गिर गए 30 रन पे। अब वहाँ पे जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन आया या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो भी आप बोल लीजिए, वो स्कोर को लेके गया 200 या 250 तक विदाउट विकेट गिराए। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि वो सिचुएशन को वो अच्छा बना रहा है, एक खराब स्थिति से लेके उसको अच्छे स्थिति में लेके जा रहा है। तो इस वर्ड को हम बोलते हैं एम्यूलेट। ओके, तो मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, मतलब उन्नति करना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, इम्प्रूव, ठीक है, रिफाइन, एनहेंस, बूस्ट, रिवैम्प। तो ये सब वर्ड्स आप थोड़े याद रखिए, ये सिमिलर टाइप के हैं, तो ये इनके सिमिलर वर्ड्स है। अब यहाँ पे पूछा गया ऑपोजिट मीनिंग, तो कोई चीज़ आप बेहतर बना रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ को बेहतर मतलब उल्टा कर रहे हो, उसको वर्स कर रहे हो। तो देखिए वर्स से आपका इधर है वर्सन, तो आपका डी ही इसमें सही आंसर होगा। इम्प्रूव का मतलब तो है आप उस वही उन्नति करवा रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। डिपेंड का मतलब होता है कि आप किसी के भरोसे हो, तो इधर तो वो सीन में ही नहीं आता, एम्यूलेट के साथ कहीं दूर दूर तक वो सीन में ही नहीं है। सॉफ्टन मतलब है किसी चीज़ को नरम बनाना, तो इसमें एक ही आंसर हो सकता है कि वर्सन आपका आंसर है इसमें, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क का मीनिंग है आपका कि जैसे कोई इमेज है आपके पास, कोई फोटो है, या आप क्या करते हो उसको फोटोशॉप करके उसको कुछ अजीब सा शक्ल बना देते हो, ऐसा शक्ल जिसको देख के आपको हंसी आए, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्रोटेस्क, विचित्र बनाना उस इमेज को, ठीक है। तो इससे सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, मैलफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड, डिस्टॉर्टेड। ओके, डिस्टॉर्टेड का मतलब भी वही होता है, डिस्टॉर्शन का मतलब है कोई चीज़ को अपना उसका जो नॉर्मल है उससे बिगाड़ देना। डिफॉर्म्ड का भी मतलब वो है, डिफॉर्म्ड मतलब देखिए फॉर्म इससे, तो फॉर्म क्या होता है, किसी चीज़ का फॉर्म मतलब उसका स्ट्रक्चर या कुछ आप बोल लीजिए, तो उसको बिगाड़ना होता है डिफॉर्म्ड, है ना। और एक होता है आप एक और वर्ड इसमें होता है क्या, मैलफॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें आप देखिए अगर आप सारे ऑप्शंस के देखो, इसमें नेचुरल है, ऑड है, विम्सिकल है, सिनफुल है, सिनफुल है सॉरी। तो देखिए सबसे पहले आप एक तो देखिए विम्सिकल जो है वो तो होगा ही नहीं। विम्सिकल का मतलब है जो मतलब सोचिए अभी आप कुछ सोच रहे हो कि हाँ मैं ये काम करूँगा, अचानक से 5 मिनट में आपका मूड बदल गया, नहीं अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, अभी मैं खेलने जाऊंगा। फिर आप खेलने गए ग्राउंड में, वहां जाके आपको फील हुआ नहीं मुझे अभी खेलना नहीं है, मेरे को दोस्त के पास जाना है, तो आप वहां से निकल गए। तो ये होता है कि फुल ऑफ विम्स। विम्स का मतलब है कि आपको ऐसे आइडियाज आते रहते हैं अचानक से, सडन आइडियाज, जो आप मतलब सोचते नहीं हो कि हाँ मैं अभी तक ये कर रहा था, अचानक से वो आपका मन हो जाएगा कि हाँ मेरे को वही करना है। तो फुल ऑफ विम्स विच आर ऑड आइडियाज, क्या है विम्स, ऑड आइडियाज दैट यूजुअली ऑकर वेरी सडनली। तो बेसिकली हिंदी में जिसको बहुत सिंपल भाषा में सनकी इंसान, ठीक है, विम्सिकल। और सिनफुल का मतलब है पापी, कि मतलब वो बहुत उसका मतलब कोई मोरल नहीं है, उसका कोई मोरल कैरेक्टर नहीं है, और वो हमेशा मतलब गलत काम ही करता है, जैसे आप दुष्ट बोल सकते हो। इमोरल का मतलब है अनैतिक, तो इस चीज़ का मतलब है सिनफुल। तो ग्रोटेस्क से आपका कहीं भी ये दो रिलेटेड नहीं है। अब बाकी बचे दो ऑप्शंस, नेचुरल और ऑड। ऑड का मतलब है कि नॉर्मल चीज़ से थोड़ा हटके, ठीक है। तो जैसे एक बास्केट रखा हुआ है, उसमें एप्पल्स है और एक मैंगो रखा है, तो वहाँ पे आपका ऑड हो गया मैंगो। तो ये थोड़ा बहुत क्लोज है कि नॉर्मल चीज़ को डिस्टॉर्ट करके एक फिगर बना रहा है, पर फिर भी ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका नेचुरल, ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीज़ को आप बिगाड़ के जो बना रहे हो, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क। तो नेचुरल नेचुरल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑपोजिट पूछा गया है। अगला वर्ड है डिवियस, ठीक है। डिवियस थोड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला तो है कि कुटिल, कनिंग, जिसको हम बोलते हैं कनिंग, बहुत चालाक चतुर, चालाकी वो यूज़ कर रहा है गंदे काम के लिए, ठीक है, डिसऑनेस्टी के लिए यूज़ कर रहा है, वो सही काम के लिए अपनी चालाकी नहीं यूज़ कर रहा है, दूसरों को भड़का रहा है, तो ये सब काम हो जो कनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसका डिवियस उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल। डिसीट वर्ड का मतलब है धोखा देना, तो डिसीटफुल मतलब क्या है, जो धोखा देता रहता है, ठीक है। डिसऑनरेबल, जिसका कोई ऑनर नहीं है, जिसका कोई सम्मान नहीं है, तो वो है डिसऑनरेबल। अब दूसरा मीनिंग है मूविंग विदाउट अ फिक्स्ड कोर्स। अगर आपको डिविएशन मतलब पता है, डिविएशन का मतलब क्या है, अगर आपका एक फिक्स्ड लाइन है उससे अलग होना, मतलब नॉर्मल जो होना चाहिए उससे अलग अलग जाना, तो वो होता है डिविएशन। तो उसी वर्ड से आता है डिवियस। तो दो मीनिंग निकल गए इस वर्ड के, और अगर दूसरे वाले मीनिंग को समझूँ तो सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, इनडायरेक्ट, राउंड अबाउट, ये सब।
तो इसमें देखिए जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, स्ट्रेट थोड़ा क्लोज जा रहा है एज ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि कनिंग से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, ठीक है। अगर कनिंग इधर नहीं है तो कनिंग इधर अगर कोई ऑप्शन ऐसा रहता कि ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनरेबल, तो हम वो वाला मीनिंग सोच सकते थे। तो इसमें सब जो मीनिंग दिया हुआ है तो उसमें से एक ही ऑप्शन आपका जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक वर्ड दिया हुआ है सुपरफिशियल, वो कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। सुपरफिशियल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर ऊपर से, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ऊपर ऊपर से। आपने चैप्टर स्टडी किया पर आपने डेप्थ में स्टडी नहीं किया, आपने ऊपर ऊपर से स्टडी किया, सुपरफिशियल नॉलेज, ठीक है। कोई इंसान सुपरफिशियल है मतलब उसको उसका कोई डेप्थ नहीं है कैरेक्टर में, उसको समझ में नहीं आता क्या करने वाला है क्या नहीं, तो वो सुपरफिशियल इंसान है, ठीक है। तो ये होता है सुपरफिशियल का मीनिंग, मतलब ऊपरी, कोई डेप्थ नहीं है, ऊपरी ऊपरी पूरा एकदम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्ट्रेट, ठीक है। डेवियस का ऑपोजिट है स्ट्रेट, ओके। अगला देख लेते हैं, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है, इवेनेसेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत भारी भारी शब्दों का यूज किया गया है इसके ऑप्शन में। इवेनेसेंट का पहले मतलब देख लेते हैं। इवेनेसेंट का मतलब है कि डिसअपियरिंग, फेड कर रहा है, जो क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, लुप्त होती है ना, इसका मतलब है क्विकली फेडिंग। जैसे क्या फेड होता है, जैसे आप सोचिए कि धुआं आया कहीं से, ठीक है, कहीं पे आपने जैसे माचिस जलाया, तो माचिस का जो थोड़ा सा धुआं निकलता है माचिस जलाने टाइम, वो कितने देर आप देख पाते हो, वो हवा में लुप्त हो जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इवेनेसेंट, जो जल्दी से लुप्त हो जाए, दैट क्विकली फेड्स, सब्सटेंस दैट क्विकली फेड्स और डिसअपियर्स इज वन सब्सटेंस, दिस इज नोन एज इवेनेसेंट सब्सटेंस, ओके। तो इसका और सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकता है, वैनिशिंग, फेडिंग, डिसअपियरिंग, डिमिनिशिंग, ओके। ये सब वर्ड अब याद रखिए। फेडिंग का मतलब तो आपको पता ही है, लुप्त होना, वैनिशिंग भी वही है, डिसअपियरिंग में मतलब गायब होते रहना, डिमिनिशिंग भी मतलब है कि धीरे धीरे कम होते रहना है, कि एक टाइम पे आके आप पूरा गायब ही हो जाओ। अब चारों पॉइंट आप इसमें देखिए, इमिनेंट, ठीक है, इमिनेंट का मतलब है ऐसा चीज जो होने ही वाला है, किसे बोलते हैं ना कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, तो वैसा वाला चीज है इमिनेंट, कि आसन्न, ये होना ही है। इस वर्ड में मैं कुछ चीज बोलने वाला हूं कि इमिनेंट से रिलेटेड थोड़े आपके कुछ क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ठीक है। एक वर्ड है आपका इमिनेंट, ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इमिनेंट और इमिनेंट में। इमिनेंट का मतलब है फेमस, जैसे हम बोलते हैं कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी, कि कोई क्रिकेटर है, ठीक है, तो वो एक एमिनेंट क्रिकेटर है, विराट कोहली इज एन एमिनेंट क्रिकेटर, शाहरुख खान इज एन एमिनेंट एक्टर। तो इस वर्ड एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, बहुत रिकॉग्नाइजेबल, बट इमिनेंट का मतलब है श्योरली व्हाट टू हैपन। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इमिनेंट और एमिनेंट का डिफरेंस आप ध्यान दीजिएगा। इधर से एक और कंफ्यूजिंग वर्ड है इमिनेंट, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक एक करके आता हूँ, ठीक है। तो अगला जो वर्ड है परमानेंट, परमानेंट मतलब आप सबको पता है जो स्थाई है, ठीक है, जो कभी बदलेगा नहीं, रिमेन अनचेंज्ड इनडेफिनेटली, परमानेंट, ठीक है। अगला है परवेसिव, परवेसिव का मतलब है जो बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है, जैसे कोई बीमारी है तो वो है क्या, परवेसिव, स्प्रेडिंग वाइडली, व्यापक। इमिनेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग और ऑपरेटिंग विद इन, जैसे सोचिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस को पकड़ लो, तो उसके अंदर उसके प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो वो उन्हीं के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं ना, दे आर ऑपरेटिंग विद इन द यूनाइटेड नेशंस, तो वो हम बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं इमिनेंट। इस वर्ड का मतलब एक और वर्ड है वो इमिनेंट, या तो एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो है आपका इनहेरेंट, ओके, निहित, हिंदी में इसका अर्थ है निहित। तो ये देखिए तीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इमिनेंट, एमिनेंट, इमिनेंट, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन सा क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम्स में ऐसे देखा हूँ, क्वेश्चन देखा हूँ कि इमिनेंट इमिनेंट का कंफ्यूजिंग वाला तो आता ही है, ठीक है। इमिनेंट का अर्थ है श्योरली अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है, इमिनेंट का मतलब है बहुत ही फेमस, और इमिनेंट का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के काम करना, ठीक है, इमिनेंट। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, इवेनेसेंट मतलब जो फेड हो रहा है, जो गायब हो रहा है, लुप्त हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा परमानेंट, जो गायब नहीं हो रहा है, वो जैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका परमानेंट। चलिए इसके साथ हमारा एंटोनिम्स खत्म होता है, विलोम शब्द खत्म होता है। अगला हम देखेंगे मुहावरे, इडियम्स। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। तो फ्रेज क्या बोला है, स्वीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट। और अगर आप ऑप्शंस को देखो, तीन ऑप्शन ऐसे दिया है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट,
थॉटलेस स्टेटमेंट, विनिंग स्टेटमेंट और इंटरोगेशन। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कुछ एक बात बोल देना, ब्रॉड जनरलाइजेशन विदाउट थिंकिंग। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत बंदों को मैं बोलते हुए सुना हूँ कि औरतें बहुत खराब ड्राइव करती है, वुमेन ड्राइव वेरी बैड। तो ये जनरलाइजेशन हो गया, हर औरतें खराब गाड़ी नहीं चलाती, कुछ मतलब मेन भी खराब गाड़ी चलाते हैं, बट बहुत सारे लोगों की आदत है कि आप सीधे ऐसे बोल दो कि वुमेन आर बैड ड्राइवर। ओके, तो ये हो गया एक जनरलाइजेशन कि आप विदाउट सोचे समझे एक स्टेटमेंट दे रहे हो, एक पूरा एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हो। तो ये चीज़ होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब इनमें से सारे जो ऑप्शन हैं उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्टली मैच क्लोजेस्ट जा रहा है कि थॉटलेस स्टेटमेंट। ओके, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे सामने वाला उत्तेजित हो जाए, आप उकसा रहे हो उसके, तो वो हो जाता है आपका प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, उसको गुस्सा दिला रहे हो। विनिंग स्टेटमेंट हो गया कि लास्ट स्टेटमेंट, भाई मैंने बोल मतलब कुछ मैच हुआ, कुछ हुआ उसके बाद जो विनिंग स्टेटमेंट, वो होता है विनिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंटरोगेशन का मतलब है पूछताछ, जैसे पुलिस आती है कुछ पूछताछ करती है केस में, तो उस चीज को बोलते हैं इंटरोगेशन। थॉटलेस स्टेटमेंट विदाउट सोचे समझे दिया गया स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कुछ आप बोल रहे हो, कुछ आपने अपना पॉइंट प्रेजेंट किया, तो उस चीज को बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग होगा थॉटलेस स्टेटमेंट। ओके, चलिए अगला देखते हैं, ऑल एट सी। ठीक है, ऑल एट सी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये idiom है। ठीक है, आप देखिए जितने भी सारे मैं करवा रहा हूँ, सबसे अच्छा होगा जब आप ये वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो सभी चीज़ों को एक आप कॉपी बना लीजिए, कि वोकेबुलरी की अलग से नोटबुक है उसमें आप ये लिखते रहो। ठीक है, अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे, तो आपको परेशानी होगी याद रखने में। या तो अगर आप लिखना पसंद नहीं करते हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये वीडियो आज से फिर 3-4 दिन बाद आप फिर से ये वीडियो देखें, फिर 3-4 दिन बाद ये वीडियो देखें, मतलब कंटिन्यूसली वीडियोज़ को आप रिपीटेशन में देखते रहिए, ताकि आपके दिमाग में वो डेली रहे। आप आज ये वीडियो देखेंगे, 2 महीने बाद ये सारे वर्ड्स भूल जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए ऑल एट सी का मीनिंग होता है, इसमें देखिए एक ऑप्शन है फ्लोटिंग ऑन अ सी और ओशन दिया हुआ है, तो बहुत कैंडिडेट्स जिनको बस देखेंगे ऑल एट सी लिखा हुआ है, हाँ चलो डाल दो फ्लोटिंग ऑन अ सी और ओशन, पर ऐसा नहीं है। ऑल एट सी है मतलब बहुत कंफ्यूज्ड होना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना फैल गया, भाई इतना सारा काम कर लिया उसको सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, फैल गया, तो उस टाइप का इसका मीनिंग है, कंफ्यूज्ड एंड नॉट सर्टेन व्हाट टू डू। ठीक है, रायता फैला दिया उसने। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है, परप्लेक्स्ड या बीविल्डर्ड। ओके, बीवाइल्डर्ड सॉरी, मतलब उलझन में होना, बहुत उलझन में है वो बंदा, तो वो है ऑल एट सी। तो इसका क्लोजेस्ट आंसर होगा पजल्ड। ठीक है, बाकी का देखिए मतलब क्या है, ड्राउन का मतलब है डूब गया, फ्लोटिंग ऑन अ सी और ओशन मतलब तैर रहा है या फ्लोट कर रहा है, तो वो भी इसमें नहीं होगा। वेस्टेड का मतलब है वेस्ट हो जाना, तो इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग है पजल्ड। ठीक है, आंसर होगा इसका पजल्ड। चलिए अगला मुहावरा देख लेते हैं, इनफ रोप। ये बहुत ही ईजी है एकदम, मतलब ये तो आएगा तो आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन करना ही चाहिए। इनफ रोप का मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा छूट देना। ठीक है, इनफ रोप का मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा छूट देना, नाम से ही मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इनफ रोप मतलब बहुत ज़्यादा छूट देना, गिव समवन इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो इसके लिए उतना नहीं है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है इसमें, टू गिव मोर रिसोर्सेज देन नेसेसरी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप याद रखिए इनफ रोप मतलब बहुत छूट देना। अगला क्वेश्चन है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये बहुत ही एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट बहुत एग्जाम्स में आते रहते, बार बार आते रहते। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब है आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, अब आपका कोई प्लान है कि मैं इधर इस तारीख तक उसको ख़त्म करूँगा, बट बीच बीच में कुछ रुकावट आ रही है, आपका मन नहीं कर रहा है वो काम करने का, तो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो कोई रेगुलरिटी नहीं है, है ना, आप रेगुलर उस काम को नहीं कर रहे हो। जैसे आप देखो अभी आपने प्लान किया है कि मैं CGL 2019 का जो एग्ज़ाम है वो अभी भी मेरे को आने में 4-5 महीना मिनिमम है, मैं एक प्लान लेके बढ़ रहा हूँ कि हाँ इस डेट में मैं ये रूटीन करके ये कंप्लीट करूँगा, बट आपको 3 दिन बाद मन हुआ कि नहीं भाई आज नहीं करेंगे, आज मैं पूरा दिन यूट्यूब में गाने देखूँगा, हो गया आपका उस दिन का प्रिपरेशन बर्बाद हो गया। फिर 10 दिन बाद आपको लगा आज क्रिकेट खेलने जाना है, तो ये होता है आपका फिट बाय फिट्स एंड स्टार्ट, आप कर तो रहे हो वो काम बट कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का बेस्ट मीनिंग होगा इररेगुलरली। ठीक है, रेगुलर नहीं है, इररेगुलरली। ओके, अगला क्वेश्चन है फेल फाउल ऑफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडियम है, फेल फाउल ऑफ। तो फेल फाउल ऑफ एक सिचुएशन आप सोचिए कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, ओके, आप अब कोई बंदा है या कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, ठीक है,
अब आपने क्या किया, सपोज आप कागज के गोले बना के उनको मार रहे हो, बहुत ही गंदा, ये सब नहीं करना चाहिए, हम प्रमोट नहीं कर रहे ये, बट ये बहुत ही गंदा, इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उनकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, अब उनको पता नहीं लग रहा है कि कौन मार रहा है, अब अचानक से सोचिए वो मुड़ गए और उन्होंने देख लिया कि आपको कागज़ मारते हुए, वो क्लास से निकल गए बाहर और सीधे जाके डायरेक्टर को कंप्लेन कर दिया कि ये बंदा मेरे को ऐसे कागज मार रहा था। डायरेक्टर ने सोच लिया कि हाँ इसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, इसको हम सस्पेंड करेंगे कॉलेज से, तो बंदे को क्या हुआ, बंदा प्रॉब्लम में पड़ गया, अब वो क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है, ही इज नाउ फॉलन इन टू सम ट्रबल। तो फेल फाउल ऑफ का यही मतलब होता है, टू गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू वॉट इज रिक्वायर्ड, या कुछ गलत काम करके, ठीक है, मुसीबत में पड़ना, उसने कोई लॉ तोड़ा है, इसने कोई रूल तोड़ा है, या तो वो कोई काम है जो उसको करना है वो नहीं कर पा रहा है, उसके कारण से वो मुसीबत में पड़ गया है, तो इस चीज को बोलते हैं फेल फाउल ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गॉट इन टू ट्रबल विथ, ओके, fell foul of, got into trouble with, थोड़ा confusing इसमें है quarrel with someone, but quarrel with someone इसका answer नहीं होगा, quarrel with someone अलग ही वो scene होता है, fell foul of आपका होगा got into trouble with, okay? अगला, अच्छा अब हम आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, अभी तक हमने idioms कर लिया, synonym antonym कर लिया है, अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि एक सेंटेंस दिया रहेगा उसका एक वर्ड। तो पहला है वन हु hides away on a ship to obtain a free passage, ठीक है, वन हु hides away on a ship to obtain a free passage, मतलब वो ship में उसको जाना है कहीं एक जगह से दूसरे जगह, तो वो सपोज सोचिए कहीं जाके छुप गया ताकि उसको टिकट के पैसे नहीं देने पड़े, तो बेसिकली यही पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जो चारों वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी देख लेते, कई हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको उसका आ गया। तो कंपोजिटर का मतलब होता है कि जो, अगर सोचिए कोई किताब लिखा जा रहा है या मैगजीन लिखा जा रहा है, उसको फाइनली प्रिंट करने से पहले एक किसी बंदे को दिया जाता है, या बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, एक ग्रुप होता है जिनको दिया जाता है कि आप सही से सारे सेंटेंस को सजा लो, देख लो कि सब सही से है कि नहीं, एकदम ग्रामर उसका सही है कि नहीं, तो ये जो काम करता है इनको बोलते हैं कंपोजिटर। ये आपको मेनली जर्नलिज्म की दुनिया में देखने को मिलेंगे, पब्लिशर हाउस में ये वर्क आपको देखने को मिलेगा, ये जो जॉब होता है, ठीक है, कंपोजिटर। अगला वर्ड है स्टोकर। स्टोकर का मतलब, अगर आप पुराने मतलब मूवी वूवी देखो हो या ट्रेन देखे हो स्टीम इंजन के, तो उसमें देखोगे एक बंदा हमेशा रहता है, वो कोयला उठा के उसमें देता रहता है, फर्नेस में डालता रहता है, तो उस बंदे को बोला जाता है स्टोकर। वन हु इज एम्प्लॉयड टू फीड फ्यूएल टू एंड टेंट अ फर्नेस एज ऑन ए स्टीम लोकोमोटिव और अ स्टीमशिप, ओके। अगला वर्ड है स्टोक अवे, स्टो अवे, सॉरी, तो स्टो अवे एक ऐसा बंदा है जो सीक्रेटली कोई ट्रेन हो, शिप हो, बस हो, वहाँ पे ऐसे जाके बैठ गया है कि पता नहीं चले कि वो वहाँ पे है, किस लिए, या तो एक रीज़न हो सकता है किसी से छुपने के लिए, ठीक है, या तो एक चीज़ हो सकता है कि उसको पैसे ना देने पड़े टिकट के। आप बहुत बार देखे होंगे ट्रेन में ट्रैवल करते हुए कि दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे ही टीटी आया बाथरूम में घुस गया, या तो दूसरे कोच में चला गया, भागे जा रहा है कि कहीं से टीटी ना पकड़ ले, तो ऐसे बंदों को बोलते हैं स्टो अवे, ओके। शिप राइट, शिप राइट का सिंपल मतलब है कि जो शिप बनाते हैं, वन दैट बिल्ड्स और रिपेयर्स शिप, तो इसका जाहिर सा बात है आंसर क्या होगा आपका, स्टो अवे इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। जो देखिए इस क्वेश्चन के जरिए हमने और तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी जान लिए, तो वो अगर आपको अभी ऐसे क्वेश्चन में है तो आपको ये आना चाहिए, ओके। अगला है क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, कुछ हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ क्लूज मिलना आपको, तो अगर कोई ऐसे क्राइम सीन में आपको क्लू मिलता है, इसका मतलब क्या है, क्लू मिलने से आपको आइडिया होता है कि ये किसने किया होगा या तो कैसे किया होगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूँ सारे वर्ड का मीनिंग। सर्कमस्टेंशियल का मतलब है कि किसी को पॉइंट करना कि अपराधी है, उसके तरफ इशारा करना, प्रूफ नहीं है अभी तक बट डाउट हो रहा है, सारे सबूतों को देख के डाउट हो रहा है कि हाँ यही हुआ है, इसी ने किया होगा, चोरी इसी ने की होगी, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब है कि किसी दूसरे चीज से डिराइव करना, किसी दूसरे चीज से डिराइव करना, ओके, डेरिवेटिव, जैसे सोचिए दूध से आपका दही आता है, तो दही आपके दूध का एक डेरिवेटिव है, ओके। इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल का मतलब है, इन्फेरेंशियल है आपका कंक्लूजन में पहुंचना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और रीजनिंग, ठीक है, जैसे अब क्लू आपको मिल गया,
अब आपको सबूत पूरा मिल गया है कि हाँ यही कंक्लूजन है, तो आप कंक्लूजन में पहुंच गए, अनुमान लगा लिया आपने। सजेस्टिव का मतलब है कि इंडिकेटिव, कोई चीज़ दर्शा रहा है तो वो है सजेस्टिव। अब देखिए इसमें से दो वर्ड्स कंफ्यूजिंग है इसका आंसर, एक है सर्कमस्टेंशियल हो सकता है, एक इन्फरेंशियल हो सकता है। देखिए क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, दिस इज नॉट प्रूफ, ये क्लू है। इन्फरेंशियल आपका तब होता है, इन्फर करना मतलब आपका प्रूफ हो चुका है, आप कंक्लूजन दे रहे हो, तो इन्फरेंशियल इसमें नहीं होगा, आपका आंसर होगा सर्कमस्टेंशियल। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल आंसर होगा, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल मतलब है उस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि यही हो रहा है, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मीनिंग है सर्कमस्टेंशियल। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, जैसे हम बोलते हैं जैकपॉट लग गया, अचानक से बहुत धनराशि मिल गई है, तो ये है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। तो इसमें वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। विंडफॉल का मतलब है, एक तो उसका मीनिंग है पेड़ से या किसी ऊंचे चीज से हवा के तेजी से, मतलब विंड से, मतलब विंड के कारण नीचे गिर जाना। ठीक है, सिंपल सा विंडफॉल वही है। और एक और मीनिंग होता है विंडफॉल का, अनएक्सपेक्टेड गेन, जैकपॉट जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा, तो ये विंडफॉल इसका आंसर है, खजाना हाथ लग जाना, तो वो है आपका विंडफॉल। फिलैंथ्रोपी का मतलब है चैरिटेबल वर्क करना, कि दूसरों का वेलफेयर को आप देख रहे हो, कुछ भला कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, स्पेशली बहुत मतलब चैरिटी दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो इस चीज को बोलते हैं फिलैंथ्रोपी, और जो चैरिटी करता है उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, बेनिवोलेंस का मतलब है दया, काइंडनेस। ठीक है, बेनिवोलेंस दया। टर्नस्टाइल का मतलब है अगर आप किसी पार्क में जाते हो, चिल्ड्रंस पार्क होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो आजकल बहुत सारे पार्क में आप देखोगे एक ऐसे टाइप का गेट रहता है जो ऐसे गोल घुमाया जाता है, एक टाइम पे एक ही बंदा वहाँ से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो उन टाइप के गेट्स को बोलते हैं टर्नस्टाइल। अ गेट हैविंग प्रोटेक्टिंग बार्स, सॉरी माफ कीजिए के प्रोटेक्टिंग सॉरी प्रोजेक्टिंग बार सही है, दैट कैन बी रोटेटेड टू अलाउ वन पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू। या तो बहुत सारे आप ऑफिस में भी देखे होंगे, बहुत सारे ऑफिस प्लेस में रहता है कि एक बहुत लंबा बड़ा सा दरवाजा रहता है, बट वैसे गोल घूमता है कि एक बंदा ही वहां से जा सके। ठीक है, मल्टीपल अलाउड नहीं करते उसमें, तो ये इसका आंसर क्या होगा, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, विंडफॉल इसका आंसर होगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। एमोल्यूमेंट का मतलब है कुछ पैसे देना या कुछ प्रिविलेज देना ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, जो आपको मिलना है, जो सैलरी या इनकम आपको मिलना है, तो उसके ऊपर भी अगर आप प्रिविलेज ले रहे हो, तो वो इधर पूछा गया है। देखिए इसमें चार वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चार वर्ड्स है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब है कि आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ सर्विसेज दे रहे हो, जिसके लिए आपको वैसे तो पैसा नहीं मिलना था, बट जिनके लिए आप काम कर रहे हो वो आपके इस काम के लिए खुशी होके आपको आपको ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए आपको पेमेंट दे रहा है। ठीक है, जैसे आप सोचिए कोई आप अच्छे से सेलिब्रिटी हो, वहाँ पे आप रिबन काटने गए, वैसे तो आपको उसका पैसा मिलना नहीं है, बट उन्होंने आपको उसके लिए भी कुछ पेमेंट किया कि सर हाँ आप आए हो, हमारे मान के लिए आप ये पैसा रख लीजिए, तो ये चीज़ होता है ऑनरेरियम। ओके, अगला वर्ड है सिनिक्योर। तो सिनिक्योर का मीनिंग क्या है, एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे काम करके आपको बहुत मतलब एक अच्छा सा स्टेटस मिला है, बहुत फिनेंशियल बेनिफिट है, काम बहुत अच्छा नहीं है, काम छोटा सा ही है, बट सोसाइटी में उसके लिए आपको बहुत सारा फिनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, तो इन टाइप के कामों को कहते हैं सिनिक्योर। ओके, लाभदायक स्थिति। अगला वर्ड है परक्विजिट। तो परक्विजिट का मतलब है ये जो हम देख रहे हैं अभी कि जो मिलना है, जो रेगुलर सैलरी और इनकम है, उससे ज़्यादा उनको देना, उससे ज़्यादा कुछ और प्रिविलेज देना, तो इस चीज़ को बोलते हैं परक्विजिट। जैसे सोच लिए अगर आपको अभी SSC की नौकरी मिल जाती है, ठीक है, कोई भी बैंक की नौकरी आपको मिल जाती है, तो आपको जो नॉर्मल सैलरी है उसके ऊपर भी बोला गया है कि हम पेट्रोल का पैसा भी देंगे, कंपनी आपको क्वार्टरली पेट्रोल का पैसा देगी, कंपनी आपको न्यूज़पेपर का पैसा देगी, कंपनी आपको मेड का पैसा देंगी, तो ये जो चीज़ होती है ये आपके प्रिविलेजेस है, ये आपके सैलरी का पार्ट नहीं है, बट ये आपके प्रिविलेजेस है जो वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इस चीज़ को बोलते हैं परक्विजिट्स। तो जो प्रिविलेजेस आपको मिल रहे हैं ओवर द सैलरी वो है आपका परक्विजिट्स। प्रेरोगेटिव का मतलब क्या है, कि कोई स्पेशल पावर जो उसी पोजीशन में मिलता है, विशेष अधिकार, जैसे ऊपर जितने भी ऊंचे पोस्ट हैं ग्रुप एक बी, तो उनके पास एक अधिकार होता है, वो अटेस्टेशन कर सकते हैं, तो ये होता है एक प्रेरोगेटिव पावर। ठीक है, कि उस पोजीशन में जाने पर उसके पास वो पावर है, उस बंदे के पास, जो बाकी दूसरे पोजीशंस में नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब है प्रेरोगेटिव। तो इसमें से देखिए एक ही आंसर है जैसे हमने समझाया, परक्विजिट, तो परक्विजिट इसका आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन।
तो इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा दो वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, बट सबसे पहले मैं सबके मतलब बता देता हूँ। फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। आप साइंस में पढ़े होंगे फ्लोरा एंड फौना, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिए। फ्लोरा है प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, वनस्पति। कैसे याद रखेंगे? फ्लोरा आपके किस वर्ड से क्लोज है? फ्लावर, ऐसे सोचिए, फ्लावर, फ्लावर से बहुत क्लोज है। तो फ्लावर किस में उगते हैं? पेड़ में उगते हैं। तो फ्लोरा आपका प्लांट से रिलेटेड है, ऐसे याद रखिए। फ्लोरा है प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फौना है आपका एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग यहाँ पे जो है, अच्छा म्यूजियम तो होगा ही नहीं, म्यूजियम का मतलब है संग्रहालय, तो वो इधर पे ऑप्शन में ही नहीं आता, संग्रहालय में एनिमल्स नहीं रहते, जू में एनिमल्स रहते हैं। तो बहुत कैंडिडेट्स इस ऑप्शन, इस जू को भी, ऐसे जिनको फौना का मीनिंग नहीं पता है वो इसमें जू टिक करके आएंगे। एक चीज ध्यान देखिए, जू नेचुरल नहीं होता, जू मतलब चिड़ियाघर, तो ये बनाया जाता है, जंगल से एनिमल्स को लाके, जंगल से जीवों को लाके वहां पे रखा जाता है, तो ये होता है जू, ठीक है। तो जू इसका आंसर नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन में है द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब वहां पे भी वो हैबिटेट है, तो ये होता है आपका फौना, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, इस आंसर, इसका आंसर होगा फौना, ओके। तो ये हमारा लास्ट था आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके साथ आज का वोकैबुलरी हमारा खत्म होता है। डेली हम कोशिश करेंगे कि ये वोकैब का वीडियो, डेली वोकैब डाइजेस्ट जो हम बना रहे हैं वो लाते रहे आपके लिए। आप डेली इनको फॉलो कीजिए, कहीं पे लिखते रहिए ताकि आपको याद रहे, और बार बार फॉलो कीजिए वीडियो को ताकि आपके जहन में घुस जाए। तो अगला जो भी एग्जाम हो ये चलता रहेगा वीडियो, आप डेली इनको फॉलो करिए, तो आशा है कि वोकैब आपका अच्छा हो जाए इससे, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वोकैबुलरी स्टडी करना चाहते हैं, इंग्लिश जिनका वीक है उनको आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए, और हाँ थैंक यू, अगर आपने इधर तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो सही में अच्छा लग ही रहा होगा, आप जो सपोर्ट दे रहे हो हमको वो हमको अच्छा लग रहा है। और इंग्लिश के साथ साथ हमारे मैथ्स का भी सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है ताकि आपको वो भी मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।